जय हिंद नमस्कार साथियों, मैं आपके बीच नदीम अहमद, आप देख रहे हैं पी न्यूज़। आज हम मौजूद हैं K9 स्टूडियो में, जहाँ की हुमा खान म्यूज़िकल ग्रुप की तरफ से एक प्रोग्राम हुआ और साथ में हुमा खान जी का बर्थडे भी सेलिब्रेट हुआ और वैलेंटाइन डे भी सेलिब्रेट किया गया है। यहाँ पे हमारे साथ में मौजूद हैं सभी, आप देख सकते हैं गेस्ट हैं और बर्थडे गर्ल भी मौजूद है हमारे साथ में। हुमा जी, स्वागत है आपका पी न्यूज़ पे। थैंक यू फॉर एवरीथिंग, और आपके लिए आने के लिए भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो ऐसे प्रोग्राम तो होते रहते हैं, लेकिन आज स्पेशल था क्योंकि मेरा बर्थडे भी था और वैलेंटाइन डे भी था। तो मेरे हस्बैंड ने और मेरे होल टीम लोहेरा ग्रुप K9 टीम ने सब ने मिल के बहुत अच्छे से सेलिब्रेट किया। थैंक यू, और आगे भी मैं ऐसे ही प्रोग्राम करती हूँ। अच्छा उमा जी, जैसे कि इतने सारे गेस्ट यहाँ पे आए, VIP गेस्ट भी थे और चीफ गेस्ट भी पहुँचे और बहुत सारे सिंगर यहाँ हमने देखे सुने, उन लोगों के लिए क्या मैसेज देना चाहोगी आप? मैं यही कहना चाहूँगी कि जब भी हम लोग इज्जत देके हमें बुलाते हैं हम या हमें कोई बुलाते हैं, तो प्लीज़ जाएं। और अगर हमारी कुछ भी मन में भावना है तो वो हम बाद में व्यक्त कर लें, लेकिन उस टाइम पे हम प्यार मोहब्बत से मिलके प्रोग्राम को अच्छे से करें बस। और ऐसे ही गाते रहें सब और गुनगुनाते रहें और अपने जीवन के दुखों को कम करते रहें। जी धन्यवाद। क्या कहना चाहेंगे सर, आज जो बर्थडे सेलिब्रेट किया है यहाँ पे, इतने सारे गेस्ट यहाँ आए, कैसा महसूस कर रहे हैं आज यहाँ? बहुत अच्छा लगा सबसे मिल गए और जी पापा बोलते तो ये बोला तो मेरे हस्बैंड को थोड़ा कम बोलते हैं। अच्छा कोई बात नहीं, राजा भार्गव जी हैं हमारे साथ में आओ जी साहब, और बोलने वाले बहुत अच्छे कवरेज भी करते हैं और कैमरामैन तो हमेशा रहते ही हैं हर प्रोग्राम में। क्या कहना चाहेंगे सर आज के सेलिब्रेशन के बारे में? सर मजा आ गया और इतने सारे लोग और इतने सारे लोग, और बर्थडे पर तो अब मजा आता है, आपको पता है सेलिब्रेशन तो सेलिब्रेशन होता है। दर्द हो रहा है, और मैं असल में क्या होता है कि नहीं हिलने की बात नहीं है, मैं हिलता ही रहता हूँ क्योंकि हिले हुए लोग ज़्यादा अच्छे होते हैं। अच्छा। हम हिले हुए लोग हैं। तो मैं तो ये कहूँगा कि सर जी, आप जितने भी लोग यहाँ पर आए हुए हैं सब ने खूब इंजॉय किया, खूब मस्ती करिए, और जिसका भी बर्थडे हो कोई प्यार से बुलाए तो जाना ही चाहिए, मैं तो ये कहूँगा। जी धन्यवाद भाई। अशोक सर आ गए, क्या ब्लेसिंग दुआएं देंगे हुमा खान को आज उनके बर्थडे पे आप? देखिए मैं आपके चैनल के माध्यम से यही दुआ देता हूं कि इनको हमारी उम्र जाए, सारी खुशियाँ इनकी झोली में आ जाए, और ये बहुत प्रयास कर रही हैं सिंगिंग के मामले में, ये बहुत इनका लेवल ऊपर आ गया है। एक हमारे परिवार की सुपरस्टार है, अच्छी ऑर्गेनाइजर है, अच्छे प्रोग्राम करती हैं और अच्छी सेलिब्रिटी आते हैं, और जब भी इनका प्रोग्राम कोई होता है तो बड़ा सक्सेसफुल होता है। और आपके माध्यम से ये बात करना चाहूँगा कि ये इनको बहुत फिल्मों का ऑर्डर भी आया, इन्होंने कैंसिल कर दिया, इनका सिंगिंग में ज़्यादा ध्यान है जी। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि ऐसे प्रोग्राम हुमा खान जी करती रहें और हम लोग इनके अतिथि हैं, इनका परिवार है, हम भी इनका हौसला अफजा करने के लिए जरूर आएंगे जी। वो तो सर देखिए, सीनियरों का होना बहुत ज़रूरी है साथ में, और अगर सीनियर ही बच्चों को आगे नहीं बढ़ाएंगे तो फिर कैसे चलेगा। हरीश भाई हाँ जी, क्या आशीर्वाद देंगे बच्ची को आज उनके बर्थडे? मेरा तो आशीर्वाद यही है, क्योंकि मेरी अपनी बेटी नहीं है जी, लेकिन जब मैं देखता हूँ ना ऐसी बच्चियाँ जो कामयाबी के, हमारी तो यही दुआ है कि हम कहते हैं ये बच्ची जो है दिन रात दुगनी चौगनी करे, जब भी हमारी जरूरत पड़े। जैसे भी इसने आदर मान से बुलाया, बड़ा अच्छा लगा कि चलो कोई तो समाज में है, कि ये समय ऐसा है कि संगीत एक ऐसा माध्यम है कि इसमें कोई भेदभाव नहीं है, ना कोई बड़ा ना कोई छोटा। तो मैं इसको यही दुआ दूंगा कि बेटा जितनी भी तरक्की कर सके, जितनी हमारी मदद हो सकेगी हम करने को बिल्कुल तैयार हैं, और ऐसे बच्चे बहुत अच्छे लगते हैं जो तरक्की करते हैं, इसके लिए बहुत बहुत आशीर्वाद है। इसके लिए आज हम सभी इकट्ठे हुए एक संगीत के मंच पे और इनके माध्यम से, तो बहुत अच्छा लगा, और यही दुआ देते हैं कि अभी साथी इसी प्रकार मिलकर ऐसे चलते रहे जी। धन्यवाद हरीश भाई। मैम सबसे पहले तो अपना परिचय दीजिएगा। माय नेम लवली, और ये मेरी बेस्ट फ्रेंड है जी। क्या ब्लेसिंग आज दुआएं देना चाहेंगे आज इनके बर्थडे पे? मैं यही बोलूंगी उसने बहुत हिम्मत का काम किया, वरना किसी के बस के नहीं होता इतना खड़ा होकर एकदम से कोई सिंगिंग कर ले गा दे, उसने बहुत हिम्मत करी और चाहती हूँ आगे करके वो और ज़्यादा हिम्मत करे जी। हुमा खान जी, जैसे कि पी न्यूज़ आपके यहाँ पहुँचा है, सबसे पहले तो पी न्यूज़ और हमारे समस्त चैनलों की तरफ से आपको बर्थडे की शुभकामनाएं, आप इसी तरीके से हंसते गाते रहें और दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की करें। पी देना चाहूँगा जी, बताइए हरीश भाई कि आज सबसे बड़ी खुशी की बात ये जो हमारा जो स्टूडियो है K9, और ये एक ऐसा मंच है कि जो भरते जितने भी कलाकार हैं उनको एक मौका दिया कि आइए और अपना टैलेंट दिखाइए। टैलेंट है या नहीं है, लेकिन संगीत एक ऐसा माध्यम है, कहते हैं जितने भी बीमारी हो हारी हो, एक संगीत एक ऐसा माध्यम ये सब दूर हो जाता है, किसी डॉक्टर की जरूरत नहीं अगर संगीत में खो जाए तो, क्योंकि हमारा तो देखो हम अकेले हैं,
हमारी वाइफ नहीं है, लेकिन क्या है कि अकेले हैं तो एक संगीत ही हमारा ऐसा माध्यम है किसके, और इसी बहाने इसी साथ ही ऐसे वैसे बच्चों से सबसे मुलाकात हो जाती है, आप जैसे न्यूज़ चैनल वालों से मुलाकात होती है तो बड़ा अच्छा लगता है। तो आज मुझे बड़ा एक अच्छा लग रहा है, गर्व भी महसूस हो रहा है कि कम से कम चलो इसी बहाने मैं आप लोगों से मिला तो सही। तो मैं आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, और अपने K9 स्टूडियो की तरफ से अशोक भाई, सरताज भाई, जितने भी हमारे भाई बंद हैं, और सबसे बड़ा इन लोगों का मैं शुक्रगुजार हूँ कि इन्होंने मेरे को यहाँ पर आने के लिए स्थान दिया, जगह दी, अशोक भाई का, सरताज भाई का। और ये तो हमारे बहुत अच्छे गायककार भी हैं। हम तो कहते हैं कि कला एक पूजा है जी, कोई कलाकार नहीं है, सिर्फ कला के पुजारी हैं हम लोग। अगर कलाकार तो बहुत दूर की बात है, तो जो भी इस कला का पुजारी है, संगीत से प्रेम करता है, वो आए और हमारी उमा जी के साथ में जुड़े। और एक है साधन, कोई ना कोई तो माध्यम चाहिए जुड़ने के लिए, तो आज वो माध्यम हमारे उमा बेटी की तरफ से है। इसको बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं, हमारी उम्र भी भगवान करे इसको लगे, ऐसी तरक्की करती रहे जी। धन्यवाद। हमारे साथ में स्टूडियो के ओनर हमारे अमित भाई पहुँच चुके हैं। अमित भाई क्या ब्लेसिंग आशीर्वाद और दुआ देना चाहेंगे आप उमा खान को उनके बर्थडे पर? हमारी छोटी बहन है ऐसी तरक्की करे, आगे बढ़े और बहुत बड़ी दिल्ली की ऑर्गेनाइजर बने जी। और K9 स्टूडियो के बारे में, आप तो ओनर ही हैं माशाल्लाह, सभी जानते हैं, अगर कोई यहाँ विजिट करना चाहे कैसे पहुँचे वो? सर विजिट के लिए दो हमारे वो पड़ते, एक तो मानसरोवर पार्क, एक दिलसाद गार्डन जी, और वहाँ से आराम से आ सकते हैं। और जो वहाँ पर रिक्शे खड़े होते हैं जिसे वो बोलते हैं क्या क्या कहते हैं, ई रिक्शा, बैटरी रिक्शा जो होते हैं, वो वहाँ से ईजिली उनको लेके आ जाते हैं जी। उमा खान जी, K9 के बारे में क्या मैसेज देना चाहोगे आप दर्शकों को? मैं यही कहना चाहूँगी कि स्टूडियो बहुत है, लेकिन K9 एक ऐसा स्टूडियो है जहाँ पे हम लोग एकदम परिवार की तरह रहते हैं, मिलते भी हैं, लड़ते भी हैं, झगड़ते भी हैं, लेकिन हम एक हैं। सबसे बड़ा मैसेज ये है, हम एक हैं, एक हैं। देखो संगीत जोड़ना सिखाता है, तोड़ना नहीं सिखाता है, और संगीत के पुजारी जितने भी हैं वो सभी ऐसी महफिलों में आके शान बढ़ाते हैं महफिलों की, और हमेशा पी न्यूज़ आपके साथ है, K9 के साथ है, और हमेशा बना रहेगा। धन्यवाद। पी न्यूज़ के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूँगी कि पी न्यूज़ ऐसे ही आगे बढ़ता रहे, तरक्की करता रहे, और प्रोग्राम अच्छे से बड़े लेवल के प्रोग्राम कवर करता रहे, और ये चैनल बहुत आगे जाए जी। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। ये हैं आज के ऑर्गेनाइज़र और सिंगर और बर्थडे गर्ल, जिन्होंने की आज इतनी अच्छी रंगीन शाम यहाँ पे सजाई, म्यूजिकल शाम रचाई है उसके। आप लोग भी उमा खान जी को इनके बर्थडे पे इन्हें शुभकामनाएं दें, और मिलते हैं आपसे किसी नई जगह किसी नई वीडियो के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।